morning, students. Hope you people are doing well in your online education. Now, today we are going to learn about Kashyapa Jadhav. नाम ही बड़ा लग रहा है ना. ओके, थोड़े ही दिन रह गए ऑनलाइन एजुकेशन के, इसको एंजॉय करो. फिर जब आपको स्कूल आना पड़ेगा, टीचर मारेगी पकड़ पकड़ के. देखो, मैं नहीं हूँ आपकी टीचर, जो भी रहेगी स्कूल में. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कशाबा जाधव. नाम ही कितना बड़ा है ना. ओके, हैव यू हर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स? स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम टूगेदर फॉर द Olympic Games. A number of events are held. There are games, athletics events like high jump, long jump, running, gymnastic events, swimming and diving competitions, boxing and wrestling matches, and many, many, many other things. The winners are given gold, silver, bronze medals. An Olympic medal is an honor. An Olympic winner is considered to be a world champion. See, हम यहाँ पे definitely ये paragraph पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ गया होगा कि हम किसी sports person के बारे में पढ़ने वाले हैं. एंड ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं ये आपने आजकल कहीं देखा होगा. उसमें बहुत सारे देशों से, बहुत सारी कंट्री से, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स होते हैं उसके अंदर. और उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ गेम्स आर देयर. एथलेटिक गेम्स, हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, जिमनास्टिक, स्विमिंग, डाइविंग कॉम्पिटिशन, बॉक्सिंग, रेसलिंग मैचेस. देर आर मैनी मैनी थिंग्स. और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसमें नहीं है. द विनर्स आर गिवन. फिर उसके बाद क्या होता है, उसको गोल्ड, सिल्वर मेडल मिलते हैं, ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं. आपने सुना होगा कि कभी कभी न्यूज़ में दिखाते हैं, अरे इंडिया का ये पहला लेडी है जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड लाया है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं बहुत सारा. तो वो कहाँ लोग ओलंपिक में मिलता है, वैन दे वीन. ऐसी नहीं कि ओलंपिक जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जीतना पड़ता है. एंड ओलंपिक मेडल इज़ एन ऑनर. सबसे बड़ा मेडल होता है और ये बहुत बड़ा ऑनर है. ऑनर मीन्स बड़ा रिस्पेक्ट है ये. एंड ओलंपिक विनर इज कंसिडर्ड टू बी अ वर्ल्ड चैम्पियन. अगर किसी को ओलंपिक मिल जाता है तो वो वर्ल्ड चैम्पियन माना जाता है उस गेम का. फ्यू इंडियंस हैव वोन ओलंपिक मेडल सो फार. द फर्स्ट पर्सन टू विन अ मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज अ रेसलर फ्रॉम महाराष्ट्र. हिज नेम वॉज कशाबा जाधव. सी, देर आर वेरी फ्यू पर्सन हु हैज विन अ मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया. और उन्होंने किसके लिए जीता था? द फर्स्ट वन वॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस कशाबा जाधव. रेसलिंग में जीता था उन्होंने. ठीक है, कशाबा जाधव वॉज बॉर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली इन अ विलेज कॉल्ड बोलेश्वर इन सतारा डिस्ट्रिक्ट. बट इट वॉज अ फैमिली दैट लव स्पोर्ट, स्पेशली रेसलिंग. सुल्तान किसने देखा है? सलमान खान की. उसमें दिखाया है ना कि उसके जो उसकी जो फीमेल वर्कर होती है उसके साथ वो क्या करते हैं, दोनों लोग. उसके डैडी भी वो रहते हैं रेसलर होते हैं, वो वहाँ पे सबको ट्रेनिंग देते हैं. राइट, सो सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जो कशाबा जाधव है उसकी जो फैमिली है वो क्या है. इस फादर दादा साहेब वॉज हिमसेल्फ अ रेसलर. और उनके पांच बेटे थे उनके रेसलिंग करते थे, वो उनको सबको ट्रेन करते थे. ओके, सो द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज अ कशाबा. दादा साहेब हिमसेल्फ टॉट हिज सन रेसलिंग. दे वर ऑल वेरी गुड एट इट बट द बेस्ट अमंग देम वॉज कशाबा. उन्होंने सबको रेसलिंग सिखाया और उसमें से सबसे बेस्ट कौन थे? कशाबा. फ्रॉम एन अर्ली एज कशाबा लव टू वॉच रेसलिंग बाउट्स मीन्स मैचेस. बाउट्स मीन्स मैचेस. हिज फादर टुक हिम टू सी द बाउट्स फ्रॉम टाइम ही वॉज जस्ट 4 years old. वो बहुत छोटे थे जब से वो देखने जाते थे, जब वो 4 साल के थे जब से. ही वुड सिट ऑन हिज फादर शोल्डर एंड वॉच द बाउट्स एट 10. ही वॉज द यंगेस्ट टू गेट इन टू द अखाड़ा. जब वो 10 साल के हुए तो सबसे छोटे थे जो अखाड़ा में उतर गए थे. उनकी एज का उनसे सब बड़े ही थे. सून इट बिकेम क्लियर दैट ही वॉज ऑल्सो द बेस्ट नॉट ओनली इन हिज ओन अखाड़ा बट इन द होल एरिया. फिर स्लोली सबको मालूम पड़ गया कि सिर्फ अपनी अखाड़ा में नहीं बट ये पूरे एरिया में क्या हो गया, ये बेस्ट बन गए. कशाबा लव अदर स्पोर्ट्स टू. ही वॉज फॉन्ड ऑफ कबड्डी, मुलखम, रनिंग, स्विमिंग एंड जिमनास्टिक. ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ दिस. ही बिकम स्ट्रॉन्ग एंड अगाइल. ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट्स विद हिज फ्रेंड. सी,
वो उनको कबड्डी बहुत पसंद थी, उनको रनिंग भी बहुत पसंद है, उनको बहुत सारे स्पोर्ट्स पसंद है, तो उन्होंने सब में पार्ट लिया। इसके लिए वो क्या हो गए, स्ट्रांग बन गए बहुत। और ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट्स विद हिज फ्रेंड, वो सिर्फ स्पोर्ट्स की बातें करते थे। सीधा पिक्चर, ही वेंट टू राजा राम कॉलेज इन कोल्हापुर वेयर रेसलिंग वॉज एनकरेज। कशाबा टुक पार्ट इन मेनी रेसलिंग बाउट्स एंड वन देम ऑल। कशाबा जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसका नाम बताया कोल्हापुर का, और वो रेसलिंग को एनकरेज करते थे, वो कॉलेज एनकरेज करता था, और उन्होंने जितनी बार भी रेसलिंग में रेसलिंग मैचेस में पार्टिसिपेट किया सब में वो जीत गए। अब वो एरिया के चैंपियन बन चुके थे, तो इसीलिए उनको स्टेट लेवल का चैंपियन और नेशनल लेवल का चैंपियन बता दिया गया। कशाबा जादव बिकम फेमस एट द नेशनल लेवल टू। ही बीट द नेशनल चैंपियन निरंजन दास इन 1948। दैट इज व्हाई इट वाज डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स। फिर नेशनल लेवल का जो चैंपियन थे इंडिया के उस टाइम पे निरंजन दास 1948 में, उनको उन्होंने हरा दिया। ओके और वो क्या हो गए, इंटरनेशनल ओलंपिक गेम के लिए भेज दिए गए। When Kashyapa Jadhav took part in the Olympic Games for the first time, he found that the Indian and the international rules were different. जब उन्होंने first time Olympic Games में participate किया तो उनको मालूम पड़ा कि इंडिया में जो rule है वो different है और जो बाहर rule है वो बहुत different है। Also he was used to wrestling in an earthen pit at the अंदर खड्डा खोद के एक जगह बना लेते थे और वहाँ पर लोग wrestling करते थे। तो Olympic Games में की बहुत world held on a match। ओलंपिक गेम्स में जो मैचेस होती थी, बाउट्स होते थे, वो मैट पर होते थे, ओके जमीन पर नहीं होते थे, और ये लोग जमीन पर प्रैक्टिस करते थे। इन स्पाइट ऑफ दिस डिफरेंसेस कशाबा जादव वॉन अ सिक्स प्लेस आउट ऑफ 42। इतने डिफरेंस होने के बाद भी उन्होंने 42 में से सिक्स प्लेस में पर उन्होंने जीत गए, सिक्स प्लेस आए, मतलब सिक्स का है। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी फोर ईयर्स। हर चार साल में ओलंपिक गेम्स होते हैं। कशाबा विश टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स अगेन। फिर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, फिर इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, वो इतना ईजी नहीं होता है। ही हैड टू प्रूव हिज मेरिट अगेन एंड फेस द अपोजिशन ऑफ ऑफिशियल्स। फिर उन्होंने वो सारा कुछ फोइस फेस किया, बहुत मेहनत की उसको, ऑफिशियल्स के साथ भी उनको अपोजिशन, मतलब सब उनके अपोजिट थे उनको, मतलब उनको हर चीज़ फेस करने के बाद फिर वो चले गए। ऑल्सो इन दोज डे ओलंपिक पार्टिसिपेंट हैड टू स्पेंड देयर ओन मनी फॉर ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग इन द प्लेस वेयर द गेम्स वर हेल्ड। अब उस टाइम पे क्या होता था, ओलंपिक्स के लिए जो पार्टिसिपेंट आते थे उन लोगों को खुद का पैसा खर्चा करके जाना पड़ता था, खुद का ट्रैवल करना पड़ता था, और खुद के पैसे का उन लोगों को जगह लेके रहना पड़ता था, होटल्स वगैरह का बिल खुद पे करना पड़ता था। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। कशाबा डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ मनी एंड ही डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे और गवर्नमेंट ने उनको कुछ दिया भी नहीं था। सो दो जो उनके राजाराम कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने गेव हिज ओन हाउस टू गेट द मनी, उन्होंने अपना घर बेचा और उसको पैसा दिया। अदर पीपल इन कशाबाज विलेज ऑल्सो है, फिर और लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा करके पैसा दिया विलेज के उनके। द 1952 ओलंपिक्स वर हेल्ड एट हेलसिंकी, देयर कशाबा जादव हैड टू फेस ओपोनेंट्स फ्रॉम रशिया एंड द गल्फ कंट्रीज। ही वॉन द फर्स्ट फाइव बाउट्स क्वाइट ईजली, ही वॉन ईच बाउट विद इन फाइव मिनट्स, और वो पहली फाइव बाउट्स क्या हो गया, वो इजली जीत गए, और स्टार्टिंग के पाँच मिनट में वो जीत जाते थे मैच। देन ही हैड टू फेस अ रेसलर फ्रॉम जापान, दे वर बोथ वेल मैच, द बाउट लास्टेड फॉर 15 मिनट्स, कशाबा लॉस्ट द मैच बाय जस्ट वन पॉइंट। फिर उनको जापान का एक रेसलर मिला जिसकी जिसे वो सिर्फ एक पॉइंट की वजह से हार गए। ही वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर द बाउट बट ही वॉज आस्क्ड टू रेसल विद द सोवियत रेसलर इमीडिएटली, दिस वॉज अगेंस्ट द रूल। According to the rules, Kashaba should have rested for at least half an hour before the second bout. Kashaba lost in the bout with the Soviet wrestler. Still, he had won a bronze medal by finishing third. फिर उनको दो मिनट के तीन मिनट के अंदर अंदर इनको बोला गया कि आप दूसरी मैच खेलोगे एक रेसलर के साथ, लेकिन ये अगेंस्ट द रूल था बिकॉज उनको आधा घंटे का रेस्ट देना चाहिए, ये रूल है, बट स्टिल उन लोगों ने नहीं दिया। कशाबा लॉस्ट इन द बाउट विद द सोवियत रेसलर, फिर वो हार गए, फिर भी उनके पास क्या मिला, ब्रॉन्ज मेडल मिला बाय फिनिशिंग थर्ड।
When Kashyapa returned from Helsinki, many people honored him. The people in his village gave him a grand welcome. A procession of 151 bullock carts waited for him in his home village of Guleshwar. The villagers carried their hero home to the sound of dhols. Kashyapa Jadhav did not forget those who helped him. After winning the Olympic medal, he played the first bout to raise money, not for himself but for the principal who had given his house for sending Kashyapa to Helsinki. The principal got his house back. See, अब क्या हो गया, जब वो वापस आए Helsinki से तो वहाँ पे लोगों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया. कितना 151 बुलक कार्ट्स उनके लिए खड़े थे भुवनेश्वर के लिए, और बहुत सारे उनको ढोल वगैरह मिले, बजाने लगे ढोल के साथ बजा बजा के वो लोग लेके गए. Kashyapa Jadhav did not forget those who helped him after winning the Olympic medal. हाँ, Kashyapa Jadhav ने लेकिन उन लोगों को नहीं भुला जिसने उनको हेल्प किया था. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसों के लिए मैच खेलना शुरू करी. फिर सबसे पहले उन्होंने घर लेके दिया अपने प्रिंसिपल को. Kashyapa won great honor for his country even when he did not have much help or facilities. ना सब नहीं होने के बाद भी उन्होंने हमारे देश को बहुत बड़ा ऑनर दिलवाया है. टुडे स्पोर्ट्समैन हैव मैनी फैसिलिटीज. अभी के जो स्पोर्ट्समैन हैं उन लोगों के पास बहुत फैसिलिटीज है. स्टूडेंट वी ऑल ट्राई आर बेस्ट टू विन ग्रेट ऑनर्स ऑफ आवर मदरलैंड. हमको भी कुछ करना चाहिए. अब टीचर नहीं कर सकते स्पोर्ट्स, आप लोग ट्राई करो. बच्चे हो, अभी से कोई ना कोई स्पोर्ट्स ट्राई करो. अपनी कंट्री को फेमस बनाना है. दीज आर द डिक्टेशन वर्ड. जस्ट सी द डिक्टेशन वर्ड्स. यू हैव टू राइट एंड लर्न द स्पेलिंग्स ऑल्सो. ओके, these are your dictation word, 10 dictation word. Okay, these are your exercise. Answer the following. You have to, these are the question answers. Okay, you have to learn this. Okay, aap learn karoge isko. Kashyapa Jadhav jaisi mehnat karoge hamare desh ko zarurat hai sportsmanship, sportsmen's ki. What sports did he like? Whom did Kashyapa beat in wrestling and in which year? Niranjan Das in 1948. See, teacher ko bhi yaad ho gaya hai. How did the people in Kashyapa village welcome him? With a huge, with a great honor. Niranjan Das ki spelling wrong hai. Das aayega, D-A-S, Das. Okay, the dad likha hua hai. उसको सही कर देना है आपको. निरंजन दास, आई रिपीट, यू हैव टू राइट द प्रॉपर स्पेलिंग ऑफ दास, डी ए एस दास. आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. सी द एनिमेशन टीचर हैज डन. कितना अच्छा लगता है ना देखने के लिए. मुझे बहुत मजा आता है. दीज आर योर मीनिंग्स. एथलेटिक्स बाउट अगाइल, ऑफिशियल, एक्सपेंसिव, ओपोनेंट्स. ओके, दीज आर द मीनिंग्स. दीज आर द ऑपोजिट्स. सी द ऑपोजिट वर्ड्स. यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश नोटबुक. Name the following. A person who wrestles is a wrestler. A person who boxes is a boxer. A person who swims is a swimmer. A person who runs is a runner. A person who dives is a diver. A person who plays is a player. Now this is the homework. Copy your exercise and dictation word in your English notebook. Okay, question number 2 and 3 of the page number 16 of your English test book. सी, इसका आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का. अगर नहीं आएगा तो आपके जो ग्रुप में आपके जो टीचर है उसको आप भेजो, टीचर आपको बताएंगे नेक्स्ट मंडे तक क्या करना है. लेकिन आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स जो पेज नंबर 16 के हैं आपके टेक्स्ट बुक पर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. यू हैव टू डू एंड यू हैव टू सेंड बैक इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.